हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आज हम रीडिंग करेंगे फेब्रुअरी मंथ के लिए। सो फेब्रुअरी मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है या यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज सेंड अक्रॉस कर रहा है, आज हम टैरो और ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से जानेंगे कि क्या मैसेज है आपके लिए। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि एक पर्सनलाइज फ्री टैरो रीडिंग आप कैसे विन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, सो ये हमारे पास तीन कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, अपने लिए कोई भी एक कार्ड इन तीनों में से चूज़ करना है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। सो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एल्यूर कर रहा है, या लग रहा है कि यही कार्ड है जो आपको आपके लिए मैसेज दे रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपका फेब्रुअरी मंथ कैसे जाने वाला है, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। जिस भी कार्ड से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या लग रहा है कि हाँ यही कार्ड है जो मेरे लिए है, थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने लिए कोई भी एक कार्ड चूज़ करिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कार्ड्स के रीडिंग के टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी, सो दैट आप डायरेक्टली अपने कार्ड की रीडिंग पे जा सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट कि आपके लिए क्या मैसेज है जो यूनिवर्स सेंड अक्रॉस कर रहा है। ओके, जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था, लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। ये हमारा टैरो कार्ड है, ये हमारा ओरेकल कार्ड है, इट्स अ डाइटी दैट इज ब्लेसिंग यू। सो लेट्स रिवील योर कार्ड्स। एंड ये हमारे पास कुछ और ओरेकल कार्ड्स हैं जहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन का आप फोकस करिए, मन में कोई भी एक क्वेश्चन रखिए जिसका आपको एब्सोल्यूट आंसर चाहिए। एंड ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आंसर है। इस कार्ड को हम बाद में खोलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आया है देयर इज अ टावर दैट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। वी हैव माता पार्वती। बोथ दीज कार्ड्स आर रिवर्स्ड। सो अगर हम इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक टावर है जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करी है एंड देन देयर आर पीपल हु आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द टावर। ये आपका टैरो कार्ड है। बेसिकली क्या है, जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसका जो बेस है वो शायद बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड जैसे ही कोई लाइटनिंग या ट्रबल स्ट्राइक करता है तो वो फॉल डाउन करने लग जाता है। ये एक बेसिक एनालिसिस है इस कार्ड का। बट आपके केस में जो हम देख सकते हैं दैट इज़ जो आपकी एनर्जी है वो आपके क्राउन एरिया से फ्लो कर रही है। सो हमारे जो चक्रास होते हैं उसमें आपके क्राउन एरिया का जो चक्रा है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। इट कुड बी अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पिरिचुअल लेवल पे, या हो सकता है कोई पुराने बिलीव्स हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके अराउंड हो रही हैं जिनसे आप सहमति नहीं रखते हैं, विच यू आर नॉट अग्रीइंग टू, वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से हटाएंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाएंगे, विच कुड बी एट अ स्पिरिचुअल लेवल, अ थिंकिंग लेवल, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो जो ओल्ड मॉडल्स हैं जिन्हें आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। एंड अगर चेंज नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ के लिए उनको डेफिनेटली चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज मिल रहा है। सो थोड़ा सा आप अगर अपने अंदर अंतर्मन अंतरात्मा में देखेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंट्यूशंस एंड इंट्यूटिव मैसेजेस। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशंस के सुनना, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड करेंगी कि आगे आपका पाथ क्या होने चाहिए। जो आपकी लाइफ में ये चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हो सकता है आप इस टाइम पे उसको रिजिस्ट भी कर रहे हों, आप नहीं चाह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें चेंज हो बिकॉज थिंग्स आर वेरी स्मूथ एज ऑफ नाउ, बट ये चेंज इनएविटेबल है।
आप चाहें नहीं चाहें, माने नहीं माने, ये चेंज आएगा ही आएगा. सो जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू हो चुका है या चेंज शुरू हो चुका है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही ईजी आपके लिए होगा अडेप्ट करना. एंड दिस चेंज इज़ गोइंग टू बी फॉर योर बेस्ट. तो ये बहुत ही अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. इसको एक्सेप्ट करिए. आप अपने बिलीव्स को, जिनको आप मानते हैं, उनको फॉलो करिए. जिन चीज़ों को आप नहीं मानते हैं और जिन चीज़ों से आपको लगता है ये ओल्ड थॉट्स हैं, ओल्ड बिलीव्स हैं, या आपकी लाइफ में उनका कोई बेनिफिट नहीं है, उनको इरेडिकेट करिए. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट दैट ये ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज नो मैटर वॉट ये चेंज तो आएगा ही आएगा. सो आप एक न्यू एंड इवॉल्व सेल्फ बनेंगे वंस दिस चेंज कम्प्लीट्स, एंड यू विल हैव द वर्ल्ड टू योर सेल्फ. यहाँ पर जो डाइटी हमें ब्लेस कर रही है, दैट इज़ माँ पार्वती. ये कार्ड भी हमारा रिवर्स्ड आया है, एंड कोइंसिडेंटली अगर हम देखेंगे तो इस कार्ड का जो मीनिंग है या पर्पस है वो इन लाइन है विद व्हाट इज द टैरो कार्ड दैट हैज कम. सो जो माता पार्वती हैं, शी इज़ द गॉडेस ऑफ डिवोशन, लव एंड योगा. सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स मेडिटेट करिए या किसी भी फॉर्म का योगा करिए. उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम बात कर रहे हैं वो, या इंट्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये मेडिटेशन जो है या योगा जो है वो आपको इनलाइन करेगा विद व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट जो आपकी लाइफ में चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत स्मूथली हो सके. सेकेंडली, ये कार्ड भी डिनोट करता है कि एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है. सो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या इनर सेल्फ के साथ आप और ज़्यादा यू नो इनलाइन होंगे, अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेंगे. एंड यहाँ पे भी जो डाइटी है वो ये बोल रही हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है. सो आपका इनर सेल्फ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आप चाहें नहीं चाहें वो डेवलप, ग्रो और ट्रांसफॉर्म होगा. उसको आप रोक नहीं सकते. इट इज़ बेस्ट कि आप उसको एक्सेप्ट करिए सो दैट ये जो चेंज है वो बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में आ सके. एंड ऑल्सो आपकी जो लाइफ है, लाइफ की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्ड होगी. सो आप ये समझिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी यू नो अ चेंज फेज, बट इसके बाद जो आपकी लाइफ में फेज आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप एक रिन्यूड सेल्फ हो चुके होंगे, आप एक मोर स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हो चुके होंगे, यू वुड बी मोर इन टच विद योर इंट्यूशंस, एंड उसके बाद जो आप डिसीजंस लेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और यू नो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, वो आपकी लाइफ को और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेगा. एंड ये आपकी लाइफ के लिए एक स्पाइनल कॉर्ड का फेज है जो बिल्ड हो रहा है. नाउ यहाँ पे जो हमने तीसरा कार्ड आपके लिए चूज़ करा था, लाइक आई सेड, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आपको एब्सोल्यूट आंसर चाहिए वो आप अपने मन में रखिए. ये कार्ड हमें उसका आंसर बताएगा, एंड द आंसर इज़ नो. सो यू नीड टू वेट, यू नीड टू पोस्टपोन, पॉज एंड से नो फॉर द मोमेंट. तो अभी थोड़ा सा अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं या वट एवर वॉज योर क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जो इनर चेंज आने वाला है, इनर डेवलपमेंट आपका होने वाला है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, वंस दिस कम्प्लीट्स, दिस प्रोसेस कम्प्लीट्स, तो मे बी जो आपका क्वेश्चन है जो भी आप यहाँ पे पूछ रहे हैं करने के लिए, तो मे बी वो पॉसिबिलिटी होगी. बट एट दिस मोमेंट यू नीड टू मे बी पोस्टपोन वट एवर इज़ दैट यू वॉन्टिंग टू नो. सो गाइज, ये थी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु हैव चूजन कार्ड नंबर 1 फॉर देयर फेब्रुअरी मंथ. अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने नियर एंड डियर वंस के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए. एंड अब फ्री रीडिंग आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए इट इज़ वेरी सिंपल. आपको इस वीडियो को लाइक करना है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट डालना है दैट येस आई वॉन्ट अ फ्री रीडिंग एंड वी विल कनेक्ट विद यू एंड वी विल टेल यू दैट हाउ यू नो वी कैन गो हेड विद दिस फ्री रीडिंग दैट वी आर ऑफरिंग इन दिस वीडियो राइट नाउ. सो इट्स सिंपल, लाइक, सब्सक्राइब एंड राइट अ कमेंट टू अस दैट यू आर लुकिंग फॉर फ्री रीडिंग एंड वील गेट इन टच विद यू. ओके गाइज, सो फॉर ऑल दोज हू हैड चोजन कार्ड नंबर टू, लेट्स सी के आपके लिए क्या कार्ड्स हैं. सो ये हमारा टैरो कार्ड है, ये हमारा ऑरेकल कार्ड है. ओपन करते हैं कार्ड्स. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ हमारे पास है लॉर्ड ब्रह्मा, ही इज रिवर्स्ड. एंड एक कार्ड और आपके लिए यहाँ पे निकालेंगे फ्रॉम दीज ऑरेकल कार्ड्स वी हैव वॉक योर लाइट ऑरेकल कार्ड्स. आपको कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आपको एब्सोल्यूट आंसर चाहिए है, प्रिसाइज आंसर चाहिए है, वो आपको अपने मन में रखना है एंड उसका आंसर है ये कार्ड. इस कार्ड को हम बाद में खोलेंगे. सो मूविंग ऑन टू टैरो कार्ड टू ऑफ वॉन्स. सो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि लिटरली द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड्स राइट नाउ एंड आपके पास एनॉर्मस पोटेंशियल है एंड आप यू जस्ट नीड टू यू नो लीप अहेड एंड वो पूरा होराइजन आपके लिए ओपन हो रहा है यहाँ पे. तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. यहाँ पे अगर आप ऐसे समझें कि आपके पास सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको बस कॉन्टम्पलेट करना है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है. बिकॉज हो सकता है इस टाइम पे आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, बट इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं दैट इवेंचुअली आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा. नाउ यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, आप जानते हैं आपको क्या करना है. इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को कैसे करना है. सो ये कार्ड हमें सजेस्ट करता है एक प्लान ऑफ एक्शन अपने लिए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आपका एक प्लान ऑफ एक्शन है तो वहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स बोथ आप जॉट डाउन करिए, देखिए कि जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको यू नो बेनिफिट कर रही हैं, किन अपॉर्चुनिटीज़ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. सो यू नीड टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन. तो अपना प्लान ऑफ एक्शन इस टाइम पे आपको बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सब कुछ एनालाइज करके आप अपना जो भी आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, यू नो वॉट यू वॉन्ट, लेकिन उसको अचीव करने का जो रास्ता है उसका प्लान ऑफ एक्शन इस टाइम पे आपको चॉकआउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी लाइफ में, अभी आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. सो इवेंचुअली अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है. ये कार्ड आपको एक्शन लेना सजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक पूरा का पूरा थिंकिंग इंटेलेक्चुअल लेवल पे सब कुछ चॉकआउट करने को बोल रहा है सो दैट यू नो कि आप आगे अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसको आप कैसे अचीव करेंगे. ये कार्ड आपको करेज एंड कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है. सो अगर आप डर रहे हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगा या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगी तो यू नो आई माइट लूज ऑन टू व्हाट आई हैव नाउ, बट ये कार्ड आपको ये करेज और कॉन्फिडेंस दोनों प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क आपको सक्सेस ज़रूर प्रोवाइड करेगा. नाउ जो हम ये बात कर रहे हैं कि आपका प्लान ऑफ एक्शन चॉकआउट होना चाहिए और ये, सो दिस कुड एक्चुअली बी इन रिलेशन टू अ जॉब चेंज. अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज देख रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि यू नो मे बी अभी मेरा काफ़ी स्टेबल जॉब है, मैं चेंज करूँगा या चेंज करूँगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जॉब चेंज हो सकता है, हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ या कोई कोर्स अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं, मे बी ट्रैवल अगर आप ओवरसीज ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रीलोकेशन करना चाह रहे हैं या ओवरऑल अगर आप करियर चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में हैं इस टाइम पे तो वो रिस्क आप ले सकते हैं. बिकॉज अगर आप वो रिस्क लेंगे एट द एंड यू विल हैव सक्सेस, दैट इज़ वॉट दिस कार्ड इज़ टेलिंग अस. बट वो रिस्क लेने के लिए अगेन द कार्ड इज सेइंग कि आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज सब कुछ आपको अच्छे से चॉकआउट करना ज़रूरी है एंड देन यू टेक एन एक्शन ऑन इट.
बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन मत लीजिए। सेकेंडली, अगर आप यू नो डिसीजन में अभी थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, तो बिकॉज ये टू ऑफ वॉन्ड्स है तो ये आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है, स्टिक टू वॉट यू आर बेस्ट एट और वॉट यू आर डूइंग करेंटली, सेकेंड इज टेक द रिस्क। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि जैसा चल रहा है आप ऐसा ही रखना चाहते हैं, या जो आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आप रिस्क लें और वहाँ पे आप सक्सेस गेन करें। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स जस्ट दैट इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन टेकिंग एक्शन। तो सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए एंड देन इवेंचुअली उनको एक्शन में कन्वर्ट करिए। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास डाइटी आए हैं, दैट इज लॉर्ड ब्रह्मा। नाउ लॉर्ड ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। ये डाइटी रिवर्स्ड है, इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर आपकी क्रिएशन की एबिलिटी आप स्टॉप कर रहे हैं तो मतलब आप स्टैग्नेट कर रहे हैं। सो लॉर्ड ब्रह्मा सेज दैट इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट मीन्स यू आर डेड। सो डेड का मतलब इंटरनली यू आर डेड, यू आर नॉट ग्रोइंग। एंड क्रिएशन का मतलब इट कुड बी रिलेटेड टू योर फैमिली, इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, इट कुड बी रिलेटेड टू योर सराउंडिंग्स, इट कुड बी रिलेटेड टू योर आइडियाज। एनीथिंग न्यू दैट यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस इज कॉल्ड क्रिएशन। सो आपको अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली यू नो यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन इट कि आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, समथिंग न्यू दैट यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। सो क्रिएटिंग समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उस क्रिएशन से आपको यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी अपने डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स क्या हैं एंड उस हिसाब से आप अपना आगे का डिसीजन ले सकते हैं। क्रिएशन कैन ऑल्सो बी दैट आप अपने आप को रिक्रिएट करें, यू मेक अ न्यूअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। या अगर आपका रिलेशनशिप है उसमें आपको लग रहा है स्टैग्नेशन आ गया है, तो एज पार्टनर्स स्टार्ट क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप इनटू अ न्यू फॉर्म। या फिर अगर आपकी अपनी लाइफ के कोई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप ओवरलुक कर रहे हैं, या अपने ही किन्हीं चीज़ों को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, उनमें टाइम इन्वेस्ट करिए, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएशन। सो यहाँ पे यू नीड टू यू नो कीप डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ आपको नया करते रहना ज़रूरी है, सो दैट दैट स्पार्क इन योर लाइफ इज अलाइव एंड दैट इज़ हेल्पिंग यू इन अ क्लियर डिसीजन मेकिंग एज टू वॉट यू नीड टू डू इन योर फ्यूचर। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो हमारा कार्ड है जिसका आपको एब्सोल्यूट आंसर चाहिए है जिस भी क्वेश्चन का, ये कार्ड आपको आंसर दे रहा है नो। सो यू नीड टू वेट, पोस्टपोन, पॉज एंड से नो फॉर द टाइम बीइंग। जो भी आप का क्वेश्चन था, नाउ इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टेक एन एक्शन, अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट इस टाइम पे एक्शन लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग करना इज इम्पॉर्टेंट। सो अगर एक्शन लेना है या कुछ यू नो ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट पॉज, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सॉर्ट थिंग्स आउट ऑन दिस फ्रंट, अपना प्लानिंग करिए, थोड़ा सा अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने यू नो मे बी आइडियाज़ को, अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को, सबको टाइम दीजिए, ट्राई एंड क्रिएट अ न्यू सेल्फ एंड देन मे बी वॉट यू डिज़ायर यू कैन टेक एन एक्शन ऑन दैट, बिकॉज राइट नाउ यू नीड टू प्लान। सो गाइज, ये थी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु हैड चोजन कार्ड नंबर टू। नाउ फ्री रीडिंग के लिए अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड हाउ यू कैन गेट अ फ्री रीडिंग, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट छोड़ना है दैट येस यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री रीडिंग एंड हम आपसे आगे कनेक्ट करेंगे। एंड सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, अगर उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे अपकमिंग वीडियोज जो हम पोस्ट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी and you can enjoy more such videos. Alright guys, so for all those who have chosen card number 3, let's see what your cards are. So ye hamara tarot card hai and ye hamara oracle card hai, deity that is blessing us. So aapka jo tarot card hai that is 6 of pentacles and ma lakshmi is blessing you. We also have some oracle cards here that will help you jo bhi aap ek question ka precise answer chahte hain,
एब्सोल्यूट आंसर चाहते हैं वो अपने मन में रखिए, एंड उस क्वेश्चन का आंसर है ये. दिस वी आर गोइंग टू ओपन लेटर. कमिंग टू योर टैरो कार्ड हियर विच इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है फिनेंशियल सिक्योरिटी. अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू. सो यहाँ पे फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड जेनरोसिटी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, एंड ये कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है गिविंग एंड रिसीविंग. सो आप कुछ देंगे एंड आपको कुछ मिलेगा, और देने और मिलने के उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वॉट दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग. और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है वेयर यू आर फिनेंशियली स्टेबल, आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है, यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प समबडी, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है दैट इफ समबडी इज़ कमिंग टू यू फॉर अ फिनेंशियल हेल्प और अ हेल्प इन जनरल, आप उसको एड ज़रूर प्रोवाइड करें. नाउ दिस एड कैन बी ईदर थ्रू अ चैरिटेबल डोनेशन या कोई फंड रेजर आप यू नो कर सकते हैं, या अगर फिनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये कार्ड कह रहा है कि अपना टाइम, अपना लव, अपना सपोर्ट ये आप अपने नियर एंड डियर वंस को प्रोवाइड करें. दैट इज़ ऑल्सो गिविंग और यू नो दैट इज़ ऑल्सो रिसीविंग. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू. यहाँ पे आप हो सकता है कुछ अनअर्न्ड मनी भी रिसीव करें, या अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे अपने वर्क से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं से आपको एक हेल्प ज़रूर आएगी. नाउ दैट हेल्प कुड बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्प मिल सकती है, जो शायद आपको फिनेंशियल हेल्प मिले, या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएं, वर्क स्पेस मिल जाए, या इंट्रोडक्शंस हो जाएं, मीटिंग्स हो जाएं, जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन बहुत बेनिफिशियल होएगी. यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप यू नो पावर एंड इन्फ्लुएंस अगर आपके पास ऑलरेडी है, यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पे यू आर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, तो उसको करेक्ट तरीके से यूज़ करें, उसका मिसयूज़ नहीं करें. एंड उस पावर और इन्फ्लुएंस से अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर करें. सो लाइक आई सेड कि ये कार्ड आपको गिविंग एंड रिसीविंग दोनों चीज़ बता रहा है, तो अगर आपको हेल्प चाहिए है या आपको किसी तरीके का यू नो किसी से असिस्टेंस चाहिए, वो आपको मिलेगी. लेकिन इफ़ समबडी इज़ कमिंग टू यू, कोई आपके पास भी आ रहा है, तो उसको ज़रूर हेल्प और असिस्टेंस प्रोवाइड करें. इट इज़ अ वेरी यू नो पॉजिटिव मैसेज कार्ड. एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड जो डाइटी हमें ब्लेस करी है माँ लक्ष्मी, इसी कार्ड का एक एक्सटेंशन आप समझ लीजिए जो मैसेज हमें यहाँ मिल रहा है, बिकॉज शी इज़ द गॉडेस ऑफ अबंडेंस, फॉर्चून एंड ब्यूटी. तो यहाँ पे देखिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये कार्ड भी हमें दे रहा है, एंड माँ लक्ष्मी तो वैसे भी धन की देवी हैं, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये कार्ड भी हमें बता रही है. तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली है, कंफर्ट की कमी नहीं होने वाली है, आपको यू नो फिजिकल अपेयरेंस में भी देयर इज ब्यूटी दैट इज बीइंग ग्रांटेड टू यू, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद इट रादर, और आप एक कंफर्टेबल घर में रहेंगे, एक कंफर्टेबल मटीरियल चीज़ें जो हमको अराउंड चाहिए होती हैं वो भी आपके पास होगी, प्लस ब्यूटिफुल चीज़ें भी आपके अराउंड होंगी, बिकॉज द गॉडेस इज ब्लेसिंग यू विद दैट. आपके पास गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी एंड एक यू नो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे ग्रांट किया जा रहा है. बट अगेन अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस एंड यू नो जेनरोसिटी एंड एवरीथिंग माँ लक्ष्मी आपको दे रही हैं. मूविंग ऑन टू दिस कार्ड, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिसका आपको एब्सोल्यूट आंसर चाहिए है, उसका आंसर है नो. सो फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू वेट, पोस्टपोन, पॉज एंड से नो. थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड करिए, एंड इवेंचुअली मे बी जो भी आप चाहते हैं उसको अभी फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करके रखिए. एंड गिविंग एंड टेकिंग, रिसीविंग एंड यू नो
हेल्पिंग अदर्स, उसको थोड़े टाइम के लिए अपने लाइफ का मोटो रखिए एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, बिकॉज दैट इज वॉट इज बींग सेट टू यू फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे. ऑलराइट गाइस, सो ये था रीडिंग फॉर ऑल दोज हु हैव चोजन कार्ड नंबर 3. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को, एंड हम एक फ्री पर्सनलाइज रीडिंग भी आपको गिव अवे में दे रहे हैं, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. सो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखना है दैट येस यू आर लुकिंग फॉर द पर्सनलाइज फ्री रीडिंग एंड वी विल गेट इन टच विद यू. ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा वीडियो. फेब्रुअरी मंथ हमारे लिए क्या लेकर आया है, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज दे रहा है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए एक पर्सनलाइज फ्री रीडिंग करें तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट छोड़ना है दैट येस यू आर लुकिंग फॉर द पर्सनलाइज फ्री रीडिंग. कोई भी 3 लकी विनर्स को हम पर्सनलाइज फ्री रीडिंग देंगे. सो गाइज, स्टार्ट लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड कमेंटिंग सो दैट हम आपसे कनेक्ट करें आपकी पर्सनलाइज फ्री रीडिंग के लिए. टिल नेक्स्ट टाइम.